अरे मोर रामा हो भूमिका में कभी भाव दिए बनाया है मालिक तुम्हें हर बसर को मगर देगा इंसान ही धोखा बड़ा बेवफा है ये जालिम जमाना कवाम शिकायत कराती हजारों ऐसी प्रथा मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए जिनकी वजह से समाज पर गंदा असर पड़े। जैसा कि आप सुने हैं कांड, भाई साहब बतौलन 14 जनवरी सन 86 का आईओ कांड अखबार से 14 जनवरी सन 86 के पढ़े के मिलल। ठीक वही दिन अखबार से ही घटना मिलल पढ़े के, कहना बा और तर्ज बा। ए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, गनवा का भाव कि ए खुदा तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, 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 जिसको अपना कहा तुम्हारा नहीं दीन बंधु कहने वाले, दीन बंधु कहने वाले, दीन बंधु कहने वाले, गरीबों का कोई सहारा नहीं दीन बंधु कहने वाले, दीन बंधु कहने वाले, नारी का थोड़ा दो लाइन रूप कवि लिखलन। यही है नारी बहन बेटी बहु माता भी, यही है औरत, यही है नारी बहन बेटी बहु माता भी, हमारी आपकी यही है जन्मदाता भी, नारी बिन पुरुष की जिंदगी अधूरी है, मगर सामने इनके सदा मजबूरी है, कहीं जल जाती कहीं पे जलाई जाती है, या तो जानवरों जस सताई जाती है। कांड बहुत नजदीक बा, जिला गाजीपुर के तिवारी जी निराले हैं, दिलदार नगर के पर दिल के काले हैं, उन्हीं के बेटे डॉक्टर नरेंद्र तिवारी से शादी हो गई पटना के मीरा प्यारी से, 18 फरवरी 84 को दुल्हनिया आई, खुशी के साथ नई नवेली रनिया आई,
की डाकर साहब महसूस किए, इसी के वास्ते दुल्हन को भी मायूस किए। गाजीपुर दिलदार नगर बिंदेश्वरी तिवारी के बेटवा डॉक्टर नरेंद्र तिवारी के शादी 17 फरवरी 84 के पटना बीड़ा तिवारी के साथ भइल। कहना बा के दूसरी रात थी जिंदगी की रात जाके जैसन की गाना भाई साहब का आप लोग सुन ला। आज के युग के देखते हुए यहाँ तेरी को भाव लिहल गई जमाने में क्या बाकी रह गया तक पहुंची। भैया शांति, जो बना सेवा सत्कार किए, इसके बाद जब विदाई का मौका आया तो कर सिंगार का मिली पिया संग कर सिंगार का मिली पिया संग चलिए अब ससुराली के न हुए बाबू जी लख आंसू न रुके महतारी विदाई के मौका पर। वाकई वो समय का वातावरण बड़ा दुखमय होला। जब बिटिया के लोग विदा करे लगलन तब महतारी अपने बिटिया के शिक्षा देते हुए विदा कहलन के घुल मिल पिया कहे घुल मिल पिया साथ रहना यही शिक्षा देलिन बिटिया ससुराल में सास ससुर के सेवा, पति के सेवा, परिवार के लोगन के सेवा ऐसने ढंग से करिया ताकि कोनो प्रकार का शिकायत सुने के ना मिले। दुल्हन ससुराल चली, यहाँ एक लाइन तर्ज बा हमरे परशुराम भाई ये तर्ज के सुनौलन चरली जवानी मारी माटी में मिलावता मुआवता और माटी में मिलावता सतावता देविया सोवे ना बलम दूसर की लेनिया सुना तार हम भेजली तार हम भेजली न चिट्ठिया पठाता कहिया कहिया के मदन राजा हमसे चुकावता मुआवता से दिया सोले ना बोला मुआ तुरु Oh, my God.
तर्ज का नमूना, मगर गनवा का भाव बा। दुल्हन ससुराल पहुंची, आज जिंदगी का दूसरी रात बा सुहाग रात, जौने के बड़ा बेसबरी से लोग इंतजार करल। आज दुल्हन के भी जिंदगी का दूसरी रात बा, तो भाव लिहल गेल ये दुल्हन के सुहाग रात नहीं मनोलन। एकदम सवेरे अपने सगी बहन मीरा के लिवा के डॉक्टर बनारस के लिए रवाना हो गए। जब बनारस गए लेने कुछ ही दिन के बाद इधर भैल का भाई उमेश आके विदा करा ले गेलन। डॉक्टर साहब कई वादा रख के भी विदाई के लिए नहीं गेलन। कुछ दिन के बाद बिटिया के बाप सुबेदार तिवारी सोचलन कि भाई हो सकला डॉक्टर साहब कोनो काम में बिजी हो, न मौका मिलत हो, तेमन कोनो शिकायत ना बा, ले जा इनके उनके पास पहुंचा दा, एमन कोनो बेइज्जती ना बा। अपने बेटवा उमेश से सुबेदार तिवारी अपनी बिटिया बीना के बी एच यू पहुंचवा देलन। तो यहां एक लाइन तर्ज बा, तर्ज वही बा के सड़किया एक दुल्हन अपने दुल्हा से कहत बा के सड़किया सरकारी बहुत आप लोग सुन ले हुई बा। यही में एक ठे तनिके बदल गई ले, पर एक ठे नई तर्ज हो गई बा के जब यमवा लागल मौरे, जब यमवा लागल मौरे की लेनी है बा कि जब ये मामा लागल पागे बलम वाला गलता के की तकालू है ना 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 बारी बाहु मरिया। क्या उठ की लेनी है बा कि जब ये मामा लागल चूहे अतर बलम वाला गल मुहे की मुहालू है ना 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 बारी बाहु बस बस हम मौज हो गए गाना का भाव सुने दिलन। गनवा का भाव बाकी ससुरवा आई, अब ससुरवा आई नारी हो।
जब अपने दुल्हन के देखलन तो उनके लगल कैसन के लागे लाजहारी जैसे गोरी के सोचले मनवा मारी तुरंत कैलन काम के दिए पहुंचवाए और डॉक्टर साहब अपने घर में कसूर कैले भारी अपने क्वार्टर पर न रखे बल्कि दिलदार नगर पहुंचवा देलन आप पहुंचवा के इधर चालू का कैलन एक डॉक्टर के विषय में आप लोग सुन ला कि कुंभ नहाए वाली सरिता के साथ का सलूक कैलन मगर हाई डॉक्टर नरेंद्र का सुना पहुंचवा के अपने दुल्हन के कैलन का तर्ज वायक लाइन पियरी धोतिया मलमल के चलिया पियरी धोतिया मलमल के चलिया नवा का भाव ए मैं एक छात्रा मीरा कुमारी अब पूनम के जैसे जान आई हो ₹5 पुरस्कार के साथ धीरे धीरे हंसी मजाक का सिलसिला चालू कर देलन कुछ दिन के बाद यह हंसी मजाक जो बा प्यार मोहब्बत के रूप में बदलने लगे एक दिन के बाद बा या एक ठे तर्ज और मिलन छेदे वाला आ गेल भौजैया कहे कि एन न दो एन न दो छेदवा न ले तू ना भौजी ना छेदवाई पहले तू छेदवा ला बतावा कितना दुखाद बात बात में मो छिदवा लिया तब भौजैया छिदवावे लगल न नदिया पूछे लगल कि बतावे लगल बतावे का बिलासपुरी भाषा में चिवटी चापे कस लागे रे दीदी चिवटी चापे कस लागे रे दीदी कनगर जस लागे ज्यादा नाही पीरावे अंगने में लागे फूल बेचैया कांचे डाले कांचे डाले कांचे डाले इराल तर्ज का नमूना गनवा का भाव बा जब ही मजाक कैलन बिल्कुल चुपचाप रह गेलिन जान गेलिन की जनाद बा मौनम स्वीकार लक्षण तो भैया की सुनबात भांजी शरम न खाई गोरी हंस के प्यार में बोली हंस के प्यार में बोली ओ भाई बहन भय प्रेमी प्रेमी का प्यार में बाधे प्यार में बाधे प्यार में बाधे इधर प्यार मोहब्बत चालू हो गेल आ उधर दुल्हन बीड़ा बीएचयू से पीएचडी का फार्म भर देलिन जब 15 दिन के लिए क्वार्टर पर आ गेलिन तब देखलिन का ए लड़का ए मुन्ना के कई दिन खिड़की से देखी दुल्हन सोए एक चार पाई पे भाई के भुलाई भूमिका देख ले लिन
आश्चर्य में पड़ गईलिन। उम्मीद नहीं रहल डॉक्टर साहब से ऐसन। बुला के कहलिन कि सुना, तू एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, इतना गिरल विचार के होइबा, इतना घृणित स्तर का काम करबा, उम्मीद नहीं रहल तो से। कहलन कि का बात बा, उ तो जनते रहलन, मगर फिर भी अनजान बन के पूछलन कि बात का बा। कहलन कि अच्छा बतावत है, अब साफ साफ शब्दन में दुल्हन बीड़ा अपने पति डॉक्टर से बतावत बा। तर्ज वही बा एक लाइन के गोरी मिया गरिल गलो मार मिया चुप रहो। दुल्हन तो चुप हो गई, मगर डॉक्टर साहब सोचे लगे, बात उनके दिल में खलबली पैदा कर दे। ऐसा न हो कि आज हमसे कह ले, कल कहीं दूसरे से न कह दे, तो एक उपाय करे के चाहिए। अपने दुल्हन का उपाय का कहलन, गुजारी गई ले खनवा बनाई खाई सोई जब गुजरिया कंस के औलाद हवाई लेके पेट्रोल चल ले हथवा में रही काफी लंबी रसरिया। थोड़ा सा पेट्रोल ले लेलन, काफी लंबी रसरी ले लेलन, वही कमरा में पहुंचलन जहाँ की उनकर दुल्हन बीणा घनी नींद में सुतल लिन। पहुंचते कैलन का कि पहले रसरिया से चार पहिया में बदवा में तेलावा गिरावे नीरा मोहिया तेलावा से भीगी गई सगरी बदनिया हो इतने में जागी गई भी रही दुल्हिया। दुल्हन को प्रेमियों चारपाई में रसरी से बांध दिया। बांधने के बाद शरीर पर जब पेट्रोल गिराने लगा तो स्वाभाविक है कि नींद खुल जाएगी। दुल्हन जब जग गई तो देखती है सामने उसका देवता स्वयं उसे जलाने की तैयारी में। रोते हुए दुल्हन बोल पड़ी कि सरकार, आखिर कौन ऐसी गलती हो गई मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा आप मुझे दे रहे हैं। रोते हुए कहती है कि काहे के अब काहे के लगावे लाया गिनिया रनिया रोवली औजी नजरावा सैया मोरी बदनिया रनिया रोवली छत देहला आग लगाई हो बंद किया अपने कमरा में सोया जा कसाई हो। अरे घनी नींद में असोई सारी दुनिया रनिया रोवली जलाय अकेले गोने कर दुल्हनिया रनिया रोवली। प्रेमियों सब लोग सो रहे थे,
कमरा लाग करके डॉक्टर नरेंद्र चला गया। दुल्हन छटपटा रही है, कराह रही है, तड़पड़ा उठी, मगर डॉक्टर नरेंद्र जाकर के उसी कमरे में सोया जहां उसकी बहन मीरा सोई थी। बचाओ बचाओ की आवाज दे रही है, मगर आवाज अभाग्यवश बाहर तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए कि कमरा साउंड प्रूफ था। ये घटना कौन रात कबा आए, अरे नंबर चौरासी वाली रतिया मीरा के काल बन के गईले सवेरा हो गया प्रेमियों। हर रोज की भांति प्राय जिस समय को राम प्रसाद दूध लेकर आता था उसी समय दूध लेकर फ्लैट नंबर 37 बीएचयू में पहुंचा। देखता है अभी तक दरवाजा बंद है, आश्चर्य में पड़ गया। अरे भाई अब तक तो डॉक्टर साहब जग जाते थे, आखिर बात क्या है। आवाज दिया आवाज सुनकर के दरवाजा खोला कौन, जे 4 रुपए का पुरस्कार हमारे मित्र आदरणीय इंदारा से आप ये बार बार प्रणाम। तो क्या देहला आवाज खोली दरवाजा की बहन मीरा आकर दरवाजा खोल देती है। जो ही दरवाजा खुला राम प्रसाद की निगाह कमरे में पहुंची, देखकर अबाक रह गया तमाम धुआं, शंकित हो गया राम प्रसाद, शंका हो गई कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही करते प्रेमियों देखा क्या के घर में दूल्हा ही के लाश जा अरे ये तो डॉक्टर साहब की दुल्हन की लाश है। शोर मचाया राम प्रसाद, तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई फ्लैट नंबर 37 पर बिल्कुल सवेरे, तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई। जब ये खबर थाने पर पहुंची तो यादव ने दलाल लंका थाने के दरोगा, उस समय लंका थाने के इंचार्ज थे बाबू नंदलाल यादव। खबर पाते ही फ्लैट नंबर 37 पर पहुंचे, पोस्टमार्टम के लिए लाश की तैयारी करा रहे थे। तब तक देखते क्या है कि तमाम भीड़ को चीरते हुए एक अजनबी बालक वहां पहुंचा। वो था कौन केले के खबारी आऊ में सबाही वही लड़का था दुल्हन का भाई उमेश, अपने बहिन का हाल चाल लेवे के लिए 12 सितंबर के एकदम तड़के फ्लैट नंबर 37 पर जब पहुंचलन, देखते हैं बहन की लाश। तुरंत रोते हुए उमेश किया क्या, उधर दिखवा के अपन काम कर, अरे किया एक दुल्हन के माँ बाप पहुंचे बीएचयू में। उस लाश के पास बैठ करके माँ बाप और भैया उमेश शोक व्यक्त करते हैं आखिर में कैसे। आते ही आते ही बाबूजी रिपोर्ट लंका थाना वहां पे कैले और हरिश्चंद घाटा वहां पे लसिया जलावना, हरिश्चंद घाटा वहां पे लसिया जलावना, हरिश्चंद घाटा वहां पे लसिया।
गईलू सब नावा रोवेली जाननी। लंका थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराए भैया, हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार किए, मगर घटना से चार पांच दिन बाद 17 सितंबर को एक भारी जनसमूह जो है, एक जुलूस लेकर के उस समय के कुलपति थे इकबाल नारायण, उनके पास लोग पहुंचे, मांग किए कि डॉक्टर को निलंबित किया जाए और उसे 302 का मुलजिम करार किया। तो छूट गया जमानत पे मुकदमा के दौरान और चली के उस पर छूट न पाए रावण के मेहमान। केस चलती रही, उसका फैसला होने वाला था 9 जनवरी 86 को, मगर उस दिन वकीलों की हड़ताल हो गई, हड़ताल की वजह से वो डेट टल करके 13 जनवरी को रखा गया। 13 जनवरी को फैसला सुनाया गया और 14 जनवरी को अखबार से घटना पढ़ने को मिली। फैसला सुनौलेस के, जरा उनकर भी नाम सुने। न्यायाधीश के लेखन बीड़ा हो गई का फैसला था वही अखबार की मोटी हेडिंग थी, आजीवन कारावास ननद को